हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वेद मंत्रा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैची रेसिड्यू थ्योरम के बारे में। अगर आपने रेसिड्यू के बारे में नहीं पता है तो मेरा पीछे का वीडियो जरूर देख लें, जिसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है रेसिड्यू कैसे निकालते हैं और रेसिड्यू क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी थ्योरम के बारे में, जो कहती है कैची रेसिड्यू थ्योरम, या फिर हम कह सकते हैं थ्योरम ऑफ रेसिड्यूज। तो थ्योरम क्या है हमारी, लेट एफ जेड बी ऑन वैल्यू एंड एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व कंटूर सी, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल दिस जेड वन से एंड एंड लेट आर वन आर टू आर थ्री डॉट डॉट आर एन बी रिस्पेक्टिवली द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट दिस पोल। तो कहने का मतलब, अगर हमारा कोई, ये मैंने मान लिया ये हमारा क्लोज कर्व एक सी है, इसमें जो पॉइंट हैं, जो हमारे पोल हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री, इस पॉइंट पे क्या है, ये फंक्शन क्या है हमारा, एनालिटिक नहीं है। अगर इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, हम क्या यूज करते हैं, लर्न सीरीज का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा एक एनुलस फॉर्म हो रहा है। अगर हम देखें इस पॉइंट पे क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, और जितने भी बाकी फंक्शन हमारे हैं वो सब क्या है, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, वो एनालिटिक है। सपोज दैट अगर मैं इसको मान लूं, ये लेमडा वन लेमडा टू, ये सर्किल का लेमडा थ्री, कुछ भी मैंने मान लिया, तो कहने का मतलब जो हमारे पॉइंट हैं, जो मैंने लेट किया हुआ है ये पॉइंट में, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसमें, कह रहा है कि एफ जेड बी वन वैल्यू एनालिटिक विद इन ऑन ए क्लोज कर्व कंटूर सी, इस फंक्शन में हमारा जो फंक्शन है क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री। इस पोल पे कहने का मतलब जेड वन जेड टू जेड थ्री जो हमारे पोल हैं, इनको छोड़ के जितना भी हमारा पूरा फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है, एंड लेट इक्वल टू आर वन आर टू विद रिस्पेक्टिवली। तो द रेसिड्यू ऑफ द एफ जेड एट दिस पोल, अगर तो हमें इस फंक्शन का पूरे का रेसिड्यू फाइंड करना है तो टू पाई आयोटा आर वन आर टू आर थ्री डॉट डॉट आर एन, कहने का मतलब समेशन ऑफ आर, सम ऑफ द रेसिड्यू एट द पोल विद इन सी। जैसे कि हमने इसके पहले भी पढ़ा है, जैसे कि हम एक रेसिड्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, बी वन इक्वल टू, जहां हमारा बी वन क्या एक कॉफिशियंट है, जो मैं माइनस, सपोज दैट हमारा जेड माइनस वन का जो हमारा पहला कॉफिशियंट मिलता था, जो निगेटिव पावर इंडिकेट करता था प्रिंसिपल टर्म को, उसे हम क्या करते थे, मानते थे कि हमारा ये रेसिड्यू है। तो अगर मैं रेसिड्यू को फाइंड करूं तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन लैम्डा एफ जेड इंटू डी जेड, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं इस पॉइंट को फाइंड करूं एफ जेड के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेसिड्यू बी वन पॉइंट के लिए है। अगर मैं इसको यहां आर वन से कंसिडर करूं, आर वन आर टू आर थ्री से, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आर वन में लिख सकता हूं। तो मैंने मान लिया इसे हमारा क्या है, ये आर वन है, और ये टू पाई आयोटा ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ जेड इंटू डी जेड। मैं ये ऐसा निकाल सकता हूं अगर सिंगल रेसिड्यू फाइंड करना है। अगर मैं बहुत सारे इस पॉइंट के रेसिड्यू फाइंड करने हैं, उस सम को अगर हम टोटल कर देंगे, टू पाई से मल्टीपल कर दें, तो हमारा टोटल रेसिड्यू फाइंड हो जाएगा। अब इसे हम थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने मान लिया जो हमारे सर्किल है, लेट द सर्किल लेमडा वन लेमडा टू डॉट डॉट लेमडा एन, मान लिया सर्किल है, और इसका हमारा सेंटर है जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री रिस्पेक्टिवली, एंड रेडियस सो स्मॉल, इसकी रेडियस बहुत हमारी स्मॉल होगी, तो दे लाइज इंटरली विद द कंटूर सी, बट एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, सी कैन डोंट ओवरलैप। तुम्हारा जो एफ जेड लिख लेगा एनालिटिक इन क्लोज कंटूर सी, तो हमारा जो समेशन निकलेगा उसे हम कैची थ्योरम के द्वारा इंडिकेट करेंगे, निकालेंगे सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू वन, ये वन टू मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, एफ जेड डी जेड प्लस टू एफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट एफ एन तक। ये हमारा क्या है, एक डिफिनिट नंबर तक हमारा जो फंक्शन है वो उस नंबर तक क्या है, एनालिटिक नहीं है। तो अगर मैं यहां से R1 कंसीडर करूं, R1 मैं मान लूं एक पॉइंट के लिए R1, तो हमारा फंक्शन क्या निकलता था, 2 पाई आयोटा ये 1 के लिए मैंने मान लिया एफ जेड इंटू डी जेड, जैसा कि मैंने यहां बताया, मैंने R1 माना। अगर मैं इस फंक्शन को निकालना है तो मैं यहां मल्टीपल कर सकता हूं,
लिख सकता हूं 2 पाई आयोटा आर वन इक्वल लिमटा वन के लिए मार्क कर रहे हैं एफ जेड टी जेड। ऐसे ही सेम हम फाइंड कर सकते हैं 2 के लिए एफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा आर टू। ये कहने का मतलब हम ऐसे ही जितने भी हमारे नंबर होंगे फाइनाइट नंबर होंगे उस पोल के लिए हम फाइंड कर सकते हैं और उनका अगर हम सम कर दें और 2 पाई से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा पूरा जो कैसिस रिसिड्यू थ्योरम है प्रूफ हो जाएगी या फिर फाइंड भी कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं अब अगर हम पूरे कंटूर की बात करें इस कंटूर सी एफ जेड डी जेड हमारा कितना मिलेगा सम कर दिया इसको तो क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा आर वन आर टू 2 पाई आयोटा आर टू 2 पाई आयोटा आर थ्री। ये एन टर्म तक हम लिख सकते हैं इसे 2 पाई आर एन। तो हम क्या अगर 2 पाई आयोटा हम कॉमन लें इसमें तो हमारा क्या निकल के आएगा आर वन आर टू डॉट डॉट आर एन। ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया कंटूर जो हमारा सी होगा एफ जेड टोटल 2 पाई आर समेशन ऑफ द आर। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं रेसिड्यू थ्योरम के बारे में एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसा हमारा प्रॉब्लम दिया है फंक्शन हमारा दिया हुआ है और इसमें हमें फाइंड करना है रेसिड्यू ईच पोल पे और एक हमारी कंडीशन दी हुई है इसको इवेलुएट करना है डी जेड यहाँ सॉरी ये हमारा डी जेड है ये क्या है डी जेड है। तो हमारा दिया हुआ है सी मॉड जेड है हमारा इक्वल टू 3 पे। तो पहले देखते हैं इस रेसिड्यू क्या होगा ईच पोल पे। पहले हम इसका पोल फाइंड करते हैं जब इसका हम पोल फाइंड करेंगे तो जेड जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो। पोल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है उसको हम क्या करते हैं जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो हमारा जो पोल फाइंड होगा जेड इक्वल टू वन और यहाँ से जेड इक्वल टू माइनस टू फाइंड होगा। तो ये हमारा क्या है दो ऑर्डर का है तो जो हमारा ऑर्डर टू होता है तो फार्मूला क्या इंक्लूड करते हैं ये वाला। तो मैंने मान लिया अभी फॉर्म फाइंड किया फॉर जेड इक्वल टू वन के लिए तो जेड इक्वल टू वन के लिए जब हम फाइंड करते हैं तो यहां से हमारा क्या होगा आर वन मैंने मान लिया इसको पहले के लिए एम माइनस वन। अब एम एम क्या है जेड इक्वल टू ए है एम हमारा क्या है ऑर्डर ऑर्डर हमारा दो है दो में से एक क्या एक ही होगा फैक्टोरियल कोई मतलब नहीं है मैंने मैं डायरेक्ट लिमिट देता हूँ लिमिट। अब ए जेड इक्वल टू ए के लिए वन है हमारा ये मैंने वन कंसिडर कर दिया फंक्शन। अब डी अपान डी जेड डी अपान जो हमारा डी जेड निकलेगा डी ए हो गया डी अपान डी जेड एम वन हो जाएगा जेड माइनस ए जेड मैंने लिख दिया ए हमारा कितना है वन है वन का हो गया एम ये हमारा एम की पावर है मैंने होल स्क्वायर लिख दिया और ये हमारा हो गया एफ जेड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं फिर देखूं लिमिट जेड क्या है वन है डी अपान डी जेड ये हमारा जेड वन का होल स्क्वायर एफ जेड हमारा फंक्शन कितना है ये है हमारा मैंने इसको कंसीडर कर दिया जेड स्क्वायर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड प्लस टू ये क्लोज हो गया। अब जेड माइनस वन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा लिमिट वन डी अपान डी जेड ये हमारा कितना एग्जिस्ट कर रहा है जेड स्क्वायर अपान जेड प्लस टू। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट जेड वन ये हमारा जेड वन है और अगर हम इसको डी अपान डी जेड डिफ्रेंसिएशन करें इसका तो कितना होगा जेड प्लस टू ये हमारा जेड प्लस टू एंट्री करेगा और ये क्या जेड स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा टू जेड हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर इंटू वन अपान जेड प्लस टू का होल स्क्वायर ये हो गया टू जेड स्क्वायर माइनस जेड ये हो जाएगा टू जेड। तुम्हारा कितना निकल के आएगा लिमिट वन के लिए जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर जेड अपॉन जेड प्लस टू का होल स्क्वायर। हमने क्या किया इस टर्म में लिमिट को यूज किया तुम्हारा जो फाइंड हुआ वो हुआ 5.9। ये तो हो गया जेड इक्वल टू वन के लिए। अगर हम फाइंड करें अब फॉर जेड इक्वल टू माइनस टू के लिए अब इसका ऑर्डर कितना है ऑर्डर इसका क्या है वन है ऑर्डर वन के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है आर टू हमें मानना है लिमिट जेड इक्वल टू माइनस टू के लिए है क्या हो जाएगा हमारा जेड माइनस ए यानी जेड माइनस माइनस प्लस टू हो गया और एफ जेड। अब हम इसे एक्सपेंड करें जेड जेड माइनस टू
ये कितना हो जाएगा जेड प्लस टू एफ जेड हमारा कितना है जेड स्क्वायर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर एंड जेड प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे ये हो जाएगा लिमिट जेड माइनस टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हम लिमिट इसमें अगर यूज करें जेड माइनस वन माइनस टू फोर हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा ओके तो नौ हो जाएगा ये कितना हुआ फोर अपॉन नाइन हो गया। अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊं ये हमारा रेसिड्यू फाइंड हो गया ईच पोल के लिए आर वन के लिए मैंने फाइंड किया एक आर टू फाइंड कर लिया अगर इस क्वेश्चन को देखो तो थ्री है जो हमारा थ्री है एग्जिट करेगा दोनों वन और टू दोनों बिटवीन एग्जिट करेंगे यानी कहने को जो हमारा पोल होगा वो इनसाइड होगा क्योंकि थ्री बड़ा है। तो अगर हम पूरा फाइंड करें इसका जो हमारा रेसिड्यू फाइंड कितना होगा मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको टू पाई क्या बताया था टू पाई इंटू आर वन प्लस आर टू टू पाई आयोटा तो क्या हो जाएगा टू पाई आयोटा आर वन हमारा कितना है फाइव अपॉन नाइन प्लस फोर अपॉन नाइन तो ये वन हो जाएगा ये टू पाई आयोटा ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह हम रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर हमें अगर किसी भी टर्म का कोई कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी रिजल्ट को अपना सेटिस्फाई करा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।